आप देख सकते हो मेरे माता से पूरा पसीना निकल टप टप करके निकल रहा है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो गाइस, ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट, दो पॉलीपॉप और एक बिस्किट, उसके साथ गरम गरम चाय, बिस्कुट को दूध चाय में डुबा के खाना है। पॉलीपॉप, रसगुल्ला जैसा लगता है, लाल मन रसगुल्ला जो है ना, वो रसगुल्ला जैसा लगता है खाने में। बहुत गर्म है यार। मैं थोड़ा मेरी मामा का दुकान में जा रहा हूँ हफ्ते वसील करने। आप लोगों को पता है ना, हफ्ते में एक बार जाके थोड़ा पैसा लेता हूँ। दिल्ली जाना शर्म लगता है, तो इसलिए मैं हफ्ते में एक बार जाता हूँ मेरे मामा की दुकान पर। तो अभी जा रहा हूँ। तो माउंट बहुत जल्दी आने वाला है, जो कुछ दिन के बाद हेमल पे मोबाइल लगा कर आप लोग को मेरा शहर घुमाऊँगा और दिखाऊँगा। थोड़ा वेट कीजिए, माउंट बहुत ही जल्दी आने वाला है। आज आ रहा है, रुकिए रुकिए। ये रहा मेरा हेलमेट, जो हेलमेट का माउंट होता है ना, मैं यहाँ पे फिटिंग करूँगा। और जो माइक रहेगा ना, वो मैं यानी वहाँ पे यो छेद करके वहाँ पे डालूँगा, छोटा वाला माइक यहाँ पे डालूँगा, तो वॉइस पूरा ज़्यादा यो क्लियरली आएगा। बहुत ही ये वेट है इसका, आई मीन 500 ग्राम का है होगा, 500 ग्राम, बहुत ही वेट है, हैवी वेट, और बहुत ही कंफर्टेबल वाला हेलमेट है मेरा। तो मैंने बाइक को बाहर कर लिया, तो देखो मेरे पेट्रोल कितना है। हाँ, काफ़ी है। बाइक स्टार्ट करने से पहले पहले पेट्रोल को ऑन कर लेते हैं। ऑन स्ट्रोक ऑन, उसके बाद किक मारना चाहिए। Later. आप देख सकते हो ये जो सीट कवर को चिरा है ना, ये किसने चिरा पता है क्या? मेरा जो बिल्ली है ना, बिल्ली, उसने उसका नाखून से इसको फाड़ दिया। वो बिल्ली बहुत ही तेज है। मैं घर पे आ चुका हूँ और आपको दिखाऊंगा मैंने क्या लाया। रुको रुको, ये देखो पूरा 10 पैकेट, 10 पैकेट मेरे हंकू को अभी नहाऊंगा। और मामा के दुकान से मामा ने देखो आज मैंने क्या दिया। देखो ₹100 मामा की दुकान से मिले। तो अभी मेरे हाथ को नहाता हूँ। तो आप देख सकते हो बाइक में कितना गंदगी लगा हुआ है, कितना धूल मिट्टी है, आगे में पीछे में हर जगह में आपको धूल मिट्टी मिलेगा। ये देखो, तो अभी मैं इसको पूरा फुल वॉश करूँगा अपने इस हाथों से, फुल वॉश करूँगा। तो देखो यहाँ पर देखो, एंड आफ्टर वॉशिंग के बाद कैसा लगता है आप लोगों को दिखाता हूँ। पहले इसको फ़ोटो मार लेता हूँ, रुको रुको फ़ोटो मार लेता हूँ। हाँ, फ़ोटो मार चुका हूँ। तो अभी मैं वॉशिंग करने के बाद दिखाऊँगा फ़ोटो कितना जगमगा हो, चमचम हो जाएगा।
hours later. Finally, मेरा bike wash complete हो चुका है, पूरा full wash कर चुका हूँ, तो आप देख सकते हो पूरा नया जैसा look दे रहा है. I mean इसको करने में मुझे पूरा 1 hour लगा है, लेकिन मैं time lapse देख कर तो video बनाया ना, time lapse में 3 minute हो चुका है. तो आप ये देख सकते हो ये before and after. रुको मैं सिर्फ फिर से फोटो मार लेता हूँ क्लिक. तो थंबनेल में आप देख लोगे कि बिफोर एंड आफ्टर वॉशिंग कैसा लगा आप लोगों को. तो गाइस मैं भी घर पे आ चुका हूँ, बहुत ही मुझे टायर्ड, आई मीन बहुत ही ज़्यादा मैं टायर्ड हो चुका हूँ. पूरा 1 घंटा लगा बाइक वॉश करने में. और आप देख सकते हो मेरे माथा से पूरा पसीना निकल टप टप करके निकल रहा है. तो थोड़ी देर के बाद मैं नहाने जाऊँगा, फिर नहाने के बाद आके अपना बॉडी ड्राई करके खाना खाने बैठूँगा. ये रहा एक्सपेक्टेशन बॉडी, और अभी देखोगे रियलिटी. टंग टंग तबला तबला बन गया है. ये वाला रियलिटी है और ये वाला एक्सपेक्टेशन है. नहीं, कुछ दिन के बाद फिर से बॉडी बनाना लग जाऊंगा, आई मीन एग्जाम के बाद रनिंग स्टार्ट कर लूँगा, ताकि रिक्रूटमेंट के इससे पहले मेरा जो फिगर है फिगर पूरा फिट हो जाए, और जो रनिंग है रनिंग को पूरा कंप्लीट पार कर दूँ. एग्जाम एग्जाम के बाद रनिंग स्टार्ट कर लूँगा, ताकि जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन अच्छे से कर लूँगा. ये प्रिपरेशन वो तो ये हो जाएगा. ये जो मेरा तबला बन गया ना, मेरा पेट तबला बन गया ना, इसको पूरा 6 pack बना दूँगा, 3 महीने के अंदर. अभी खाना खा के बिस्तर पे बैठा हूँ, बहुत गर्मी लग रहा है, और सोचा क्यों ना आपको आप लोगों के साथ थोड़ा बात कर ले जाए. तो उठा लिया फ़ोन, वीडियो क्लिक किया, रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया और बात करने स्टार्ट कर लिया. और अभी से कुछ अलग होगा ब्लॉग पर, मेरा जो बेस्ट है आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट ब्लॉग में दूंगा, जितना हो सके. मेरे जो जितना टैलेंट है वो सब टैलेंट अपने ब्लॉग पर दिखाऊंगा, शो करूंगा, और आप लोगों को थोड़ा एंटरटेनमेंट करूंगा. ब्लॉग ऐसा बनाऊंगा कि ब्लॉग बनाते बनाते सीख जाऊंगा, ब्लॉग ऐसा बनाऊंगा कि आप लोग 1 सेकंड भी स्किप ना करें. तो चलिए देखते मेरा हंकू को उसका बॉडी के अंदर से पानी निकल गया है या नहीं. तो चलिए मेरे हंकू के पास जाकर आप लोगों को दिखाते हैं कि पूरा तरीके से साफ़ हो गया या नहीं. साफ़ होने के बाद मैं उसको पॉलिश से थोड़ा साफ़ करूँगा, और पॉलिश से साफ़ करने के बाद मेरा हंकू बहुत ही हैंडसम लगेगा, बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा. मैं मेरा हंकू को बहुत ही प्यार से रखता हूँ, बहुत ही प्यार से. तो चलिए देखते मेरे हंकू को मेरा हंकू पूरा साफ हो गया या नहीं. और मेरा जो बैड हैबिट है बिमल, उसको मैं धीरे धीरे करके स्किप करने वाला हूँ, धीरे धीरे करके गिवअप करने वाला हूँ, ताकि मेरा दांत जो है वो सफ़ेद हो जाए, सफ़ेद बन जाएगा. तो इसके लिए मुझे थोड़ा धीरे धीरे करके स्किप करना पड़ेगा, जैसे कि एकदम से स्किप नहीं कर सकूँगा, थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन धीरे धीरे करके स्किप करना चाहिए. जो कुछ भी है धीरे धीरे करके स्किप करना चाहिए, और धीरे धीरे करके ही बताना चाहिए. जैसे कि रनिंग, आज अगर मैं रनिंग में जाऊंगा तो यो आज तो मैं 5 किलोमीटर तक दौड़ नहीं पाऊंगा. धीरे धीरे करके मेरा स्टेमिना इंक्रीज करना चाहिए ना, इंक्रीज होगा ना, वो वैसे ही धीरे धीरे करके सब कुछ होता है. और जैसे कि आज यूट्यूब चैनल ओपन करने से आज थोड़ी ना 1 मिलियन हो जाएगा, धीरे धीरे करके तो 1 मिलियन होता है ना, तो वैसे ही हर प्रोसेसिंग मेथड स्टेप बाई स्टेप होता है, तो वैसे ही मैं स्टेप बाय स्टेप करूँगा. साथ में जो खंभा होता है ना, उसको मैं कम्प्लीटली स्किप कर चुका हूँ. पहले तो थोड़ा थोड़ा होता है, थोड़ा करता था, लेकिन अब पूरा फुल स्किप कर चुका हूँ. क्योंकि अगर इसको स्किप ना करूँ ना, तो मेरे जो फेस का फैट है ना, फैट ये डिक्रीज नहीं होगा. मैंने यूट्यूब पर देखा कि फेस फैट रिमूव कैसे करें, तो वहाँ पे ये बोला कि जो खंभा है खंभा को तुमको बंद करना पड़ेगा, क्विट करना पड़ेगा.
तो इसलिए मैं उसको क्विट कर दिया और उसके साथ जो खंबा खाने से रनिंग नहीं कर सकेंगे, तो इसलिए फिर से भी मैंने स्किप कर चुका हूँ, समझ रहे हो ना। मैं घर पे हूँ ना, तो इसलिए मैं डिटेल्स में नहीं बता सकता, मैं तुम आप लोगों को इशारे में बता रहा हूँ, आप लोग समझ चुके होंगे, मुझे पता है आप लोग समझ चुके होंगे मैं कौन सा वाला खंबा का बात कर रहा हूँ, क्योंकि समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी है। आप लोग अभी मुझे बोलेंगे कि भाई कुछ पहन ले, कुछ टी शर्ट अपने शरीर पर लगा ले, ऐसे नंगा क्यों बैठा है, तो मैं बता रहा हूँ कि अभी गर्मी लग रहा है, अभी नहा के खाना खा के आया ना, तो इसलिए अभी मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, इसलिए मैं ऐसा यो टी शर्ट नहीं पहना। तो आप लोग बोलेंगे कि जो फैन है फैन को चला ले, फैन चलाने से तो गर्मी कम लगेगा, तो मैं बता रहा हूँ ठीक है पहन लेता हूँ यो वीडियो पर पहले बना लो, उसके बाद पहन लेता हूँ, हाँ अभी पहन लेता हूँ, ओके। तो गाइस देखते हैं अभी मेरा हंगू पूरा तरह से साफ हो गया या नहीं, तो अभी इसको थोड़ा उठा के पानी निकल गया है नीचे से, चिन कवर से निकल रहा है पानी, हाँ पानी उसके अंदर जमा हो गया ना, और देखो पानी निकल रहा है, जितनी बार करूँ उतने बार पानी निकलता है, तो वैसे पूरा तरीके से साफ हो चुका है, टायर भी देख से तो पूरा जगमगा रहा है, और इंजन भी और पीछे वाला टायर भी बहुत ही चमचमा रहा है, वो ऊपर से तक नीचे तक मैंने पूरा तरह से साफ कर चुका हूँ। अबे थोड़ा रुक जा, हाँ चलो मैं कुछ लगा चुका हूँ, अभी नंगा नहीं बैठा हूँ, तो बाइक को थोड़ा साफ करके फिर से घर में आ चुका हूँ, फैन भी ऑन कर चुका हूँ, और अभी फैन के नीचे बैठा हुआ हूँ, बहुत गर्मी लग रहा है ना, तो इसलिए हवा खा रहा हूँ, और क्या करूँ पता नहीं, फिलहाल तो अभी हवा खाता हूँ, और क्या काम है, हाँ काम रहेगा, बहुत ही काम रहेगा, फिलहाल हवा खाने के बाद कुछ काम करूँगा।